मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी सीधी के सुपेला मतदान केंद्र में पहुंचकर मतदान किया। मंत्री कमलेश्वर पटेल से बात की हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने। कांग्रेस के पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल जी अभी ये जो सुपेला गांव है वहां पर वोट डाल के यहां से निकले हैं, और हम आपसे जानना चाहते हैं वोट आपने डाला अभी, इसके पहले भी बहुत सारे मतदान केंद्रों में आप गए होंगे, क्या माहौल नजर आ रहा है? देखिए पूरे प्रदेश में और प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस बार बदलाव का माहौल है, क्योंकि मोदी जी ने जो भी पिछली बार बातें कही थी, भाजपा के नेताओं ने जो बात कही थी, उसमें कहीं भी किसी भी तरह से वो काम करने में सफल नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा साबित हुआ है। और हम समझते हैं कि देश की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने और सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि कांग्रेस को ही जिताना है और देश में कांग्रेस की सरकार प्रदेश की देश की जनता देखना चाहती है। मतलब आपका कहना यह है कि पिछले चार महीने के अंदर जो विधानसभा में परिणाम आए थे और लोकसभा का चुनाव है, इन चार महीनों के अंदर आप लोगों ने लोगों का मन बदल लिया है, ये आपका दावा है? बिल्कुल, हमारी सरकार ने काम किया है। 100 दिन में किसानों का कर्जा माफी किया, बिजली बिल हाफ किया 10 आवर तक, 1 रुपये 1 यूनिट बिजली किया, 51,000 रुपये कन्या विवाह के लिए किया, एकल कन्या विवाह में भी अनुसूचित जनजाति के परिवार के बच्चियों की शादी के लिए प्रावधान किया, बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हुए। अच्छा, ये आज जिला प्रशासन एक दावा कर रहा था कि पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी करेंगे, हर मतदान केंद्रों में टेंट लगाया जाएगा, पानी की व्यवस्था रहेगी, अभी पता चल रहा है कि एक एसआई की सीधी में ड्यूटी के दौरान डेथ हो गई, तो व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ कमी नजर आ रही, व्यवस्था जिस तरह से गर्मी होनी चाहिए उस तरह से व्यवस्था नहीं हो पाई, कुछ आपने क्या महसूस किया इसको लेकर? देखिए हो सकता है कि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, पर निर्वाचन आयोग सतत सुधार कर रहा है और कई जगह सुधार भी नजर आ रहा है। अभी आप हमारा स्टेटमेंट ले रहे हैं, हम भी सामियाने के नीचे, चांदनी के नीचे खड़े हुए, टेंट के नीचे खड़े हुए हैं, तो भी वक्त तो बदला है, सुधार भी हुआ है, थोड़ी बहुत जो कमी होगी आगे आने वाले भविष्य में सुधार हो जाएगा। तो ये थे कमलेश्वर पटेल, और इनका कहना है कि चार महीने में कांग्रेस सरकार ने जो काम किए हैं लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए, बहुत सारी योजनाएं की और अपने वादे जो पूरे किए, उससे निश्चित रूप से उसका असर दिखाई दे रहा है, और उनका कहना है कि इस बार सीधी और आसपास के सभी जो लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी जी देंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 सीधी।